नमस्कार, डीएम कंप्यूटर यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यह लोगों का थंबनेल बनाने की कोशिश करने वाले हैं। आज हम एडोब फोटोशॉप के अंदर थंबनेल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, यह सीखने वाले हैं। देरी ना करते हैं और प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को स्टार्ट करना है, जिसके लिए मैं रन बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। रन बॉक्स में हमें फोटोशॉप नेम को टाइप करना है और इंटर करेंगे तो हमारे सामने एडोब फोटोशॉप 7.0 की विंडो ओपन होने लग जाएगी। यह इसकी वेलकम स्क्रीन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे सामने फोटोशॉप ओपन हो चुका है और यहाँ पर टाइटल बार, मेन्यू बार, प्रॉपर्टी बार, लेयर प्लेट, टूल बॉक्स, सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। हमें न्यू फाइल जनरेट करना है और न्यू फाइल किस प्रकार की लेनी है, यही सबसे खास ऑप्शन होता है। यूट्यूब थंबनेल की एक साइज पहले से ही डिक्लेयर की गई है कि वह कितनी विड्थ और हाइट में होती है, लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है। तो यहाँ पर हमें फाइल को पिक्सल में देखना होगा, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कस्टम ऑप्शन हमें यहाँ पर मिला हुआ है। और विड्थ हमें यहाँ पर 1280 लगानी है और हाइट हमें यहाँ पर 720 लगानी होती है। रिजोल्यूशन आपको यहाँ पर 300 रख देना है। RGB कलर, वाइट कंटेंट यहाँ पर रखना होता है। ओके करेंगे, पेज हमारे सामने आ चुका है। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस की सहायता से हम जूम इन जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें थंबनेल के लिए पेज मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर अपने थंबनेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को टाइप करना होता है। जैसा कि हम जो यहाँ पर लोगो देख रहे हैं, यह लोगो हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर तैयार किया है। तो हम यहाँ पर यही टाइप करने वाले हैं कि यह जो थंबनेल है, यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए बनाया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड को डिक्लेयर कर सकते हैं। बैकग्राउंड डिक्लेयर करने के लिए आपको ग्रेडियंट टूल मिला हुआ है। ग्रेडियंट से आप यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम ग्रेडियंट देने वाले हैं, तो ये ग्रेडियंट हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। कुछ इस तरह से ग्रेडियंट हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिल चुका है और यहाँ पे इसके इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, और भी यहाँ पर ग्रेडियंट ऑप्शन हमें मौजूद मिलते हैं। आप अलग अलग प्रकार से ग्रेडियंट को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो यहाँ हमने पेज को डिक्लेयर कर लिया है, इस टाइप का हम रखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को देने वाले हैं। और यहाँ पर आप टूल बॉक्स में चलें और यहाँ से टाइप करें और जो भी लैंग्वेज है वह डिक्लेयर कर लें। हम यहाँ पर लैंग्वेज एलिफेंट वाली रखेंगे। साइज़ फॉन्ट की हम घटा लेते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से हमने साइज को यहाँ पर मेंटेन कर लिया है। यहाँ लिखने वाले हैं माइक्रो सॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। राइट क्लिक करते हैं हम और मोर टूल पर चलते हैं। यहाँ से हम इसे एडजस्ट करते हैं अपने पेज के अनुसार। पेज के अनुसार हमने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लिया है। इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पर टच करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही टेक्स्ट टूल पे आपने टच किया है, यहाँ पर कलर आपको देखने को मिल चुके हैं। ओके करते ही आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें कलर फॉर्मेट आ चुका है। तो यहाँ से आप जिस भी कलर पर क्लिक करते हैं, वही कलर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे वाइट कलर से फिल कर दें। हम अभी के लिए वाइट कलर से फिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हमें और भी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना है।
तो यहाँ से अल्ट को होल्ड करके हम इसे नीचे ले जाने वाले हैं और यहाँ से इसे एडिट करेंगे। हमें यहाँ पे लिखना है हाउ टू क्रिएट लोगो इन एमएस पावरपॉइंट। स्पेस देते हुए हम आगे चलते हैं एमएस पावरपॉइंट। हमने यहाँ पर इसे एडजस्ट करके रख लिया है। इसकी लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ जाइए, माउस को आप स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर हमें एक बना लेना है रेक्टेंगुलर, और जो कि एक नई लेयर पर हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। लेयर को हमने मेंटेन कर लिया है और यहाँ पर हमें जूम आउट करके एक एरिया यहाँ पर ड्रॉ करना है। एरिया हमने ले लिया है। एरिया हमने लेने के बाद में इसमें कलर फिल करना है। हम यहाँ पर वाइट कलर फिल कर रहे थे, ब्लैक कलर हमने फिल कर दिया है। अब इसे हम पीछे ले जाएंगे, डीसेलेक्ट करना है हमें। डीसेलेक्ट कंट्रोल डी से कर लिया है। लेयर जो आपकी यहाँ पर ऊपर आ रही है इसे आप नीचे ले जाएं, जो कि शिफ्ट अरेंज मेन्यू हमें जाना होगा। यहाँ पर लेयर के अंदर अरेंज ऑप्शन और सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पर हम चलते हैं। एक और कदम हमें यहाँ से जाना होगा सेंड टू बैक, जो कि बैकवर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है। इससे भी हम पीछे जा सकते हैं, जो कि इस तरह से हमें लुक दे देता है हम जूम करके देखें तो। और यहाँ पर टैब बटन से हमने सारी चीज़ें हाइड कर ली है। अब आगे चलते हैं हम, और ब्लैक कलर को ही हम यहाँ पर अगर नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर दिखा पाएंगे। इन्हीं ऑप्शनों में हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास यह लैंग्वेज आ चुकी है। इसको वर्ल्ड के साथ हम यहाँ दिखा सकते हैं और छोटा इसको कर देते हैं। हमने इसकी साइज छोटी कर दी है, कंट्रोल प्लस करके जूम कर लेंगे और लैंग्वेज को हम यहाँ से करते हैं चेंज। और भी कई प्रकार की लैंग्वेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एडिट करेंगे, यहाँ हमें लिखना होगा बिगिनर्स टू एडवांस। और इसी को डुप्लीकेट करेंगे हम, यहाँ पर रख लेते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। डाउन एरो की से डाउन में ले जाएंगे और इसी को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट के लिए अल्ट को होल्ड करके रखा जाता है और यहाँ पे रख लिया जाए। टैब टेक्स्ट टूल से हम यहाँ पर लिखेंगे वॉच मोर ट्यूटोरियल इन प्लेलिस्ट। यहाँ हमें और भी कुछ लिखने की आवश्यकता है, यहाँ से हम चलते हैं, इसे नीचे रख लेते हैं। इन्हीं को एडिट कर लेंगे जिससे कि हमारा समय काफ़ी बचेगा। डीएम कंप्यूटर हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है। नीचे हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे यूट्यूब क्लास। कंट्रोल इंटर करके हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जो ऊपर हमने यहाँ पे डीएम कंप्यूटर टाइप किया है इसे हम जूम कर लेते हैं
अपना सिलेक्शन करके जो आउट करते हैं और पेज लेटर को बड़ा करते हैं। लेटर को बड़ा करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि लैंग्वेज जो है इसे हम चेंज कर लेंगे, यहाँ से और भी लैंग्वेज जो हमें यहाँ पर अच्छी सूटेबल लगे उनको हम यहाँ पे टाइप करते हैं। यहाँ पर फॉन्ट हमारे देखने को मिल रहे हैं, इसे हमें मेंटेन करना है। बोल्ड हम कर चुके हैं और यहाँ से शार्प आ रहा है, इसे नन करेंगे। रेगुलर इस तरह से हमें यहाँ पर सेटअप कर लिया गया है। अब हमें यहाँ पर लोगो लेकर आना है जो कि हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। इस लोगो को हम लेकर आते हैं ड्राइंग करके हमारे पेज पर फोटोशॉप पर। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डब्ल्यू करके हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी के साथ में हमने यहाँ पर पेस्ट किया और इसे हमें छोटा करना है और यहाँ पे एडजस्ट करके रखना है। ब्रश टूल की सहायता से हम यहाँ पर ब्रश को फिल करें। हार्डनेस इसकी बढ़ा सकते हैं तो ये हमें बैकग्राउंड को मर्ज करने में मदद मिल रही है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को मर्ज कर सकते हैं और यहाँ पर हम बैकग्राउंड को मर्ज करने वाले हैं। ब्रश को यहाँ पर फिल करेंगे और जो यहाँ पर सेटअप अच्छे से देखने को नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर और भी रेड कलर में यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, ऐसा एडिट कर लिया जाए और इसे
थंबनेल इस तरह से बना सकते हैं हम अच्छा थंबनेल।